15 घंटे प्यासा रहना, भूखा रहना, आपके बच्चे की मूवमेंट स्लो हो सकती है, आपके बच्चे की जो है वो वाटर कम ऊपर नीचे हो सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नायला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आजकल जो भी पेशेंट क्लिनिक में आ रहा है उसका एक ही सवाल है कि डॉक्टर साहबा हम रोज़ा रखें या ना रखें, जो प्रेग्नेंट पेशेंट है तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट बात ये है। इसको हमने ट्रेमेस्टर वाइज बात करनी है। फर्स्ट ट्रेमेस्टर यानी पहले 3 महीने के अंदर जो प्रेगनेंसी होती है उसमें बहुत ज़्यादा शुगर लो होना, चक्कर आना, बीपी लो होना होता है, आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स आ रही होती हैं, आपने मल्टीपल मेडिसिंस भी खानी होती है वॉमिटिंग के लिए भी, फॉलिक एसिड वगैरह भी, और ये भी। तो आपके फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर तो ये सिम्टम बहुत ज़्यादा है, अब पेशेंट टू पेशेंट मुख्तलिफ होता है, एक पेशेंट कहता है मुझे तो पता भी नहीं है, एक पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मैं उल्टियाँ कर कर मर गई। तो जो ये चीज़ है कि रोज़ रमज़ान में प्रेगनेंसी में हमल रखें वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। अगर आपका बीपी लो नहीं हो रहा, अगर आपका शुगर लो नहीं हो रहा, आपको चक्कर नहीं आ रहे, आपको उल्टियाँ नहीं आ रही, आप बिल्कुल नॉर्मल महसूस कर रहे हैं अपने फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, तो आप रोज़ा रख सकते हैं। आप उसमें एक दिन रोज़ा रखें, अगर उसके बाद नेक्स्ट डे आपको असेस करें, और उसके अलावा जो है वो एक दो दिन आप ब्रेक ले सकते हैं। अब देखना ये है कि अब आजकल का जो रोज़ा है वो ऑलमोस्ट 14-15 घंटे का है, तो 14-15 घंटे इनिशियली जो फर्स्ट वो है ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी होती है उसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती, एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, आपकी बॉडी से ही वो ले रहा होता है। तो अगर आप अपने आप को स्टेबल महसूस करते हैं तो आप रोज़ा रख सकते हैं। मजहबी तौर पर ये मैं आपको बता दूँ कि जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं और जो हामला औरतें हैं उनको रिलैक्सेशन दी गई है, तो आप अगर रोज़ा छोड़ेंगी तो आप गुनाह के मुर्तकिब नहीं होंगी, बशर्ते कि आप ये बात में पूरे कर लें। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा आ जाता है सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर कब शुरू होता है, 14 वीक से लेके 28 वीक्स तक। इसमें देखा ये गया है कि दिस इज़ अ वेरी हनीमून पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन फिर आपने अपने आप को खुद असेस करना है, और जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। लेकिन पूरे के पूरे 30 रोज़े रखना मैं किसी प्रेगनेंट पेशेंट को रिकमेंड नहीं करती हूँ। उसकी वजह क्या होती है कि 30 रोज़े रखने के बाद तो एक आम बंदे की जो हालत है वो गैर हो जाती है, जो कि प्रॉपरली रोज़ा खुलने के बाद खा पी भी सकता है, लेकिन प्रेग्नेंट पेशेंट की जो डाइट होती है, एक तो स्पेस इश्यूज की वजह से, दूसरा उनको अक्सर मैदे में जलन, मतली और ये चीज़ें रहती हैं, वो आम पेशेंट जितना ना तो पानी पी सकती हैं आम बंदे जितना, और ना वो उतनी डाइट ले सकती हैं, हालांकि उनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है नॉर्मल बंदे की निस्बत। तो आप पूरे 30 रोज़े तो बेशक ना रखें, लेकिन अगर आप एक दिन रोज़ा रखती हैं तो आप 2 दिन का गैप ले लें, उन दिनों में कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स लें, क्योंकि रोज़े के अंदर बेसिकली एनर्जी तो आपकी बॉडी फैट भी आपको दे सकती है, लेकिन डिहाइड्रेशन का मसला होता है। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर वाली पेशेंट है यानी 28 वीक से ऑनवर्ड वाली पेशेंट हैं, उनको मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप कोशिश करें कि अपने रोज़े बाद में पूरे कर लें, अभी रोज़ा ना रखें, क्योंकि 15 घंटे प्यासा रहना, भूखा रहना, आपके बच्चे की मूवमेंट स्लो हो सकती है, आपके बच्चे की जो है वो वाटर कम ऊपर नीचे हो सकता है, और आप जो है वो इवन आपके अपने एनर्जी लेवल डाउन जा सकते हैं, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि जन्म ले सकती हैं। तो आप तो पहले जो है वो हफ्ते में कोई एक आध रोज़ा आप रख सकती हैं, ये नहीं मैं कह रही बिल्कुल नहीं रख सकती, जिस दिन बेहतर महसूस करें आप रोज़ा रखें, लेकिन पूरे 30 का फिगर पूरा करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके ऊपर अल्लाह ताला ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी दी हुई है, अगर आप इसको फील करें, आपकी फैमिली इसको फील करें, यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस जनरेशन, आप एक नस्ल पैदा करने जा रही हैं, तो उसमें अल्लाह ताला ने आपको रिलैक्सेशन दी हुई है, तो आप रिलैक्स रहें, अपनी डाइट को प्रॉपर रखें। जब मैं डाइट प्रॉपर रखने का कहती हूँ तो उसका कतई मकसद ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खाना खाएं, उसका मतलब ये है कि हर थोड़ी देर के बाद
आप अपने लिए स्मॉल मील्स लें ताकि वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट इवनली हो सके आप और आपके बच्चे के लिए, और अपनी हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखें, पानी का इस्तेमाल करें ज़्यादा, क्योंकि मसाने के ऊपर आपके ऊपर प्रेशर है, पूरी तरह खाली नहीं हो रहा है। अगर आपका पेशाब गाढ़ा आएगा तो आपको जलन महसूस होगी, उसमें जरासीम ज़्यादा हो सकते हैं, आपका मसाना वॉश नहीं होगा तो उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं जो कि फिर आपको खुदा नखास्ता किसी बैड आउटकम की तरफ लेके जा सकते हैं। प्रॉपरली इंजॉय करें रोज़े को, ज़रूर तमाम इबादतों का एहतमाम करें, लेकिन अगर रोज़ा एक दो आपके छूट रहे हैं और एक आध आप रख रही हैं तो उसमें बिल्कुल भी बुरा महसूस ना करें। ये इजाज़त आपको डॉक्टर नायला ने नहीं, आपको अल्लाह ताला दे रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि आप एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। उम्मीद है रोज़ा आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। रोज़ों में ख़ास तौर पर आई विल रिक्वेस्ट कि मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, ताकि जो है वो बहुत सारे लोगों की जब दुआएं होती हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात आपके बहुत सारे काम आसान कर देती है। मैं जो मुझे सुनने वाले हैं उनको तो ज़ाहिर है मैं नहीं ऐसा जानती, लेकिन मेरे क्लिनिक में आने वाले एक एक पेशेंट जब वापस जा रहा होता है तो मैं दुआ कर रही होती हूँ कि अल्लाह ताला इसको शफा दे, और इन जो है वो बहुत सारी कोई कमी कोताही अगर मेरे से रह गई है तो वो आप पूरी कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।